ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। शूद्रों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, राजनीति ब्राह्मण के लिए है और प्रशासन क्षत्रिय के लिए है। तो ही अर्थव्यवस्था वैश्यों के लिए आरक्षित कर देना चाहिए और शूद्रों के लिए श्रम, सेवा और उद्योग ज्यादा बेहतर होगा। यह कहना है मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा का, जिनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है। तो आप भी देखिए विवेक बिंद्रा के एक इंटरव्यू का वह वायरल वीडियो क्लिप, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब क्या हुआ? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी माइनस वन बट ही कैन नॉट बी नंबर वन एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। मित्रों, विवेक बिंद्रा के इस बयान से आप सहमत है या फिर असहमत, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।